तो शुरू करें। जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति आभारी हूँ, अर्पण कुमार जी के प्रति और जनसुलभ पुस्तकालय के सभी जो इसको करते हैं, उनके कर्ता धर्ता जो हैं उन सब के प्रति, और जो लोग इस समय सुन रहे हैं उनके प्रति मैं आभारी हूँ। त्रिलोचन जी पे बात करना सचमुच एक कठिन इसलिए भी है कि एक लंबा अरसा उनके साथ बीता है, और लगभग जब इमरजेंसी से पहले कहना चाहिए 70 के दशक के बिल्कुल शुरुआती दिनों में त्रिलोचन जी बनारस से भोपाल आ गए थे और हिंदी ग्रंथ अकादमी में वो एक संपादक के पद पर लगाए गए थे। त्रिलोचन जी की वजह से भी, और वैसे भी हिंदी ग्रंथ अकादमी में बहुत सारे मित्र थे, उसमें रामप्रकाश त्रिपाठी थे, उसमें एक दीक्षित जी थे, और उसमें नवीन सागर थे, नहीं नवीन सागर तब तक नहीं आए थे, दीक्षित जी थे, अवस्थी जी थे वहाँ पे। तो इन सब की वजह से वो एक अड्डा तो पहले से था, पर जब त्रिलोचन जी वहाँ आ गए तो वो एक बड़ा अड्डा, सभी जो साहित्य से जुड़े हुए युवा लोग थे, हम जैसे लोग जो जिनने लिखना लगभग शुरुआती दौर था जिनका, वो उन सब के लिए वो एक ऐसा स्थान था जहाँ आपको दोपहर में या जब भी टाइम मिले वहाँ पहुँच जाते थे और त्रिलोचन जी का सानिध्य प्राप्त होता था। इसके अलावा भी ये कम दिलचस्प नहीं है, त्रिलोचन जी का जो घर था वो नए भोपाल में था और मैं पुराने भोपाल में रहता था, तो नए भोपाल से पुराने भोपाल का जो हिस्सा था, यानी जहाँ त्रिलोचन जी रहते थे, त्रिलोचन जी को जो घर मिला था उससे मेरा घर करीब करीब 3-4 किलोमीटर दूर था। पर त्रिलोचन जी अक्सर ही जिस दिन छुट्टी होती थी या रविवार होता था तो पैदल वहाँ से चलते थे, घर से कह के निकलते थे कि सुरती लेने जा रहे हैं, और वो आ जाते थे हमारे कमरे पे, और फिर वो दिन भर शाम तक लगभग वहाँ रहते थे। ऐसे बहुत सारी मुलाकातें हैं और लंबी लंबी मुलाकातें हैं, उनसे इतनी बातें, मुझे लगता है कि अगर कभी सर्वे जैसा कुछ किया जाता तो शायद सबसे अधिक बात करने वाला कोई कवि हिंदी में हुआ है तो त्रिलोचन जी है, और उन्हें बात करने के लिए किसी सुपात्र की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साहित्यिक लोगों से बात कर सकते हैं, वो ठेले वाले से भी बात कर सकते थे, वो वहाँ के चपरासी से भी बात कर सकते थे, वो किसी से भी बात कर सकते थे, वो किसी भी उम्र के व्यक्ति से बात कर सकते थे, बच्चों से तो वो लगभग बच्चों की तरह बच्चों के दोस्त हो जाते थे। इसीलिए जब भोपाल में वो रहे तो उन्होंने कुछ लंबी कविताएं, चित्रा जांबोरकर जैसी कविता लिखी, जो चित्रा जांबोरकर उस समय मेरे ख्याल से 7-8 साल की रही होगी, और उससे उनकी इतनी घनिष्ठता हो गई, उस पर एक लंबी कविता उन्होंने लिखी है जो ताप के ताए दिन में मैंने संकलित किए। त्रिलोचन जी से बात करना जितना आसान था उतना ही कठिन काम था त्रिलोचन जी की किताब तैयार करना। लगभग 23 साल हो गए थे उनकी आखिरी जो किताब छपी हुई थी गुलाब और बुलबुल, जिसमें गजलें हैं, रुबाइयां हैं, वो किताब मेरे ख्याल से 57 के आसपास कभी छपी थी। उस
उसको छपे 22-23 साल हो गए थे, और उस बीच में जो कोर्स में लगने वाली जो एंथोलॉजीज होती थी उसमें बाकी तमाम कवि होते थे। त्रिलोचन जी के बारे में लोगों से जब पूछो कि इसमें त्रिलोचन क्यों नहीं है, तो कहते थे कि उनकी कविताएं कहीं पे उपलब्ध नहीं है। तो धरती तो उस समय छपी थी जब तार सप्तक निकला था, यानी 44-45 में छपी थी धरती, और उसके बाद दिगंत छपा जो 50 के बाद, और गुलाबर बुलबुल छपी। तो ये सारी स्थितियां हैं, और इसीलिए जब बहुत लगभग आखिरी दिनों की बात है, जब त्रिलोचन जी काफ़ी वृद्ध हो गए थे और अस्वस्थ भी रह रहे थे, उन दिनों किसी ने उनसे कहा कि आप अपने जो 14 संग्रह हैं, संग्रह तो उनके वैसे 15 थे, पर 14 संग्रहों से आप अपनी पसंद की कुछ कविताएं चुन लें। तो त्रिलोचन जी ने वो काम किया बहुत मेहनत से, और 14 संग्रहों से कविताएं चुनी। एक संग्रह उनने छोड़ दिया, अमोला, अमोला अवधि में था और उससे कोई कविता उनने नहीं चुनी। यहाँ तक कि जो उनका अंतिम संग्रह था मेरा घर, उसका भी जो दूसरा खंड था घर की बोली के नाम से, उसमें भी उनने अवधि में कविताएं लिखी थी, तो उनको उनमें से भी कोई कविता नहीं चुनी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई हिचक अपनी बोली या किसी भी जनपदी भाषा को लेकर उनको उनकी उनमें कोई हिचक नहीं थी, बल्कि उनमें एक ऐसा अद्भुत जिज्ञासा थी कि उनको जब कोई नया शब्द सुनाई दे जाता था किसी बोली का, तो वो उसके प्रति इतने लालायित होते थे उसे जानने के लिए। मुझे याद है कि सोमदत्त कुछ समय इंदौर में रहे थे, हालांकि सोमदत्त का जो बैकग्राउंड था वो तो जबलपुर का था, तो उन्हें बुंदेली बैकग्राउंड से आए थे वो, पर क्योंकि इंदौर में उन्हें नौकरी के दौरान इंदौर चले गए, तो वहाँ से उन्हें बहुत सारे मालवी शब्द, उनको भी बोलियों के शब्दों के प्रति बहुत आकर्षण था। तो त्रिलोचन जी जब कोई शब्द सुन लेते थे तो उसके प्रति उनमें इतना आकर्षण जागृत हो जाता था। तो ये एक बड़ा सहज त्रिलोचन जी के प्रति में था, और इसलिए अपनी बोली के प्रति भी, अवधि के प्रति भी उनमें बेहद आकर्षण था। अमोला इसीलिए लिखा गया, अमोला एक अद्भुत है, और हमारे अष्टभुजा शुक्ल जी ने उसकी इतनी अच्छी व्याख्या और इतना अच्छा उनने उस का सब किया है संपादन और उसकी व्याख्या, कि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि तो ये सोचना बेकार है कि उनने इसलिए नहीं चुना। पर हुआ ये कि उस 14 संग्रहों से 180 कविताएं त्रिलोचन जी ने अपनी चुनी, और उसमें उनने अपनी सबसे प्रसिद्ध कविताएं, यानी जो सबसे ज्यादा चर्चित कविताएं, त्रिलोचन का नाम लेते से जिस कविता को याद किया जाता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, उसको नहीं रखा। यहां तक कि 25 सॉनेट्स की वो श्रृंखला जो कुंभ पर लिखी, जो कि बहुत ही चर्चा में रही और जो बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, उसको भी नहीं रखा। ऐसी कई चर्चित कविताएं उसमें नहीं है, जो 180 कविताओं का। अब ये ऐसा क्यों किया गया, या त्रिलोचन जी के मन में क्या उसकी रूपरेखा थी, वो क्या अपनी कविताओं के बारे में कहना चाहते थे, ये सब बातें एक तरह से हम नहीं जान पाए, इसलिए कि त्रिलोचन जी बीमार हो गए और उसके बाद वो नहीं रहे, और ये अजीब सा संयोग हुआ कि वो संग्रह बना हुआ था और ना उसकी भूमिका लिखी गई, ना उसका नामकरण हुआ था, और ना कुछ हुआ था।
एक दिन अमित का फोन आया, अमित जो उनके छोटे पुत्र हैं, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा संग्रह तो त्रिलोचन जी बनाना चाह रहे थे, और त्रिलोचन जी ने ये सब कविताएं छाटी थी, आप इसकी भूमिका लिख दीजिए और इसका नामकरण कुछ ढूंढ लीजिए। मैंने कहा यार मैं कैसे, मतलब मेरी तो उस बीच में त्रिलोचन जी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि त्रिलोचन जी जब यहाँ से दिल्ली चले गए तो उनसे मुलाकात थोड़ी कम हो गई, और लास्ट डेज में तो बहुत कम मुलाकातें इसलिए हुई कि वो चले गए थे हरिद्वार, तो बहुत कम मुलाकातें हुई, और फिर हरिद्वार से वापस दिल्ली आए तब तक वो काफ़ी बीमार हो चुके थे, तो उस बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर भी मैंने कहा मैं इतना साथ रहा हूँ तो अब ये ठीक है कि मैं इस संग्रह को कुछ करूँ, और ये हुआ अल्टीमेटली कि वो संग्रह की मैंने एक भूमिका लिखी, और ये सब लिखा कि त्रिलोचन जी ने क्या क्या नहीं चुना और त्रिलोचन जी क्या सोचते थे ये मैं नहीं जान सकता, पर उसमें एक अद्भुत लंबी कविता है जो हम सबको बहुत प्रिय थी, और वो मैं और तुम जो कविता है वो एक हिंदी की, मुझे लगता है कि अगर कभी श्रेष्ठतम लंबी कविताओं की कोई एंथोलॉजी बनाई जाए, कोई संकलन बनाया जाए, तो शायद उसको रखना जरूरी होगा। वो अद्भुत कविता है। उस कविता में एक पंक्ति आती है जिससे उस किताब का नामकरण किया गया। वो पंक्ति है, मैं तुमसे तुम ही से बात किया करता हूँ, और ये बात मेरी कविता है। ये अद्भुत पंक्ति है, और यही फिर बात मेरी कविता है, उसका संग्रह का नाम रखा गया। तो ये बात मेरी कविता है, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि अगर हम त्रिलोचन समग्र, त्रिलोचन की संपूर्ण काव्य यात्रा को कभी एनालिसिस करने की कोशिश करें, कभी विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि उनकी पूरी कविताएं, उनका पूरा काव्य एक तरह से एक सतत, अनवरत और असमाप्त हो बातचीत है। वो लगातार चलती हुई एक बातचीत है जो कहीं रुकती नहीं है, कहीं समाप्त नहीं होती। जैसे कि और त्रिलोचन और उनकी कविता का स्वभाव इतना एकमेक है कि उसे अलगाया नहीं जा सकता। जैसे त्रिलोचन जी जब बात करना शुरू करते थे तो उसमें कहीं कोई विराम नहीं होता था, उसमें कोई बीच में कोई जगह नहीं होती थी, वो लगातार सतत बोलते रहते थे, और उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी कि सामने वाला कौन है और कितना वो समझ रहा है। और ना केवल मनुष्यों से, ना केवल बच्चों से, ना केवल वृद्धों से, ना केवल अपने हम उम्रों से और तमाम हम लोगों से, बल्कि मुझे बहुत बार लगता है उनकी कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि वो जितना मनुष्यों से बोल रहे होते थे उतना ही प्रकृति से बोल रहे होते थे, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से बोल रहे होते थे, और पूरे एक ब्रह्मांड से। जैसे एक एक कवि है जो अनवरत रूप से ब्रह्मांड से और पूरे ब्रह्मांड से बात कर रहा हो, ऐसा अद्भुत काव्य सौंदर्य उनकी कविता से जाहिर होता है। मुझे कहने को ये हमेशा लगता है कि ऐसा शायद ही कोई दूसरा कवि है। हालांकि विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक जगह कहा कि निराला के बाद कोई अगर ऐसा कवि हुआ है जो मतलब एक जीती जाती किंवदंती बन जाए, जीवित रहते ही किंवदंती बन जाए, ऐसा एक ही कवि हुआ है, और वो त्रिलोचन है। और ये सच है। आप सोचिए त्रिलोचन जी तब 60 के भी नहीं हुए होंगे, बहुत बल्कि यंग रहे होंगे, त्रिलोचन जब वो बनारस में थे, उन पर शिवचंद शर्मा एक पत्रिका निकाला करते थे स्थापना, शायद वो हिंदी के अकेले ऐसे कवि हैं जिन पर 3 अंक कंटिन्यूशन में
एक ही पत्रिका के तीन अंक लगातार एक के बाद एक निकले, स्थापना के तीन अंक निकाले गए त्रिलोचन पर, तब भी ये लगता था कि बहुत कुछ ऐसा है जो छूट गया है। त्रिलोचन एक ऐसे प्रोलिफिक राइटर हैं, मतलब उनके बारे में ये कई बार भ्रम होता है कि शायद हो सकता है कि त्रिलोचन ही झूठ बोल रहे हों, और हो सकता है कि तमाम लोग कुछ अतिरिक्त रूप से एग्जैग्रेशन कर रहे हों, कुछ अतिशयोक्तियां कर रहे हों। पर खुद शमशेर ने लिखा है कि त्रिलोचन ऐसे हठधर्मी और ऐसे लिखाड़ कवि थे कि अगर वो किसी भी फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, जैसे गजल लिखने, शमशेर ने लिखा है कि गजल लिखने पर आए तो 500 गजल लिख डालें। और ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉनेट्स वर्ड्सवर्थ ने लिखे, लगभग 2000 सॉनेट्स वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे ऐसा कहा जाता है। और ये सत्य है बहुत दूर तक कि त्रिलोचन ने वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा सॉनेट लिखे, 2500 के करीब वो सॉनेट्स हैं। उसमें कितने सुरक्षित हैं ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 उपन्यास भी लिखे थे जो लाफ्ट पर रखे हुए थे और पानी आया और वो सब उसमें गल गए। तो ऐसा कुछ बहुत सारा, पर ये आप जान लीजिए कि जब गिन्सबर्ग और फर्लिंगेटी जब आए हिंदुस्तान में, उस समय गिन्सबर्ग तो दुनिया के सबसे चर्चित कवियों में थे, तो वो जिस आदमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो त्रिलोचन थे। और बाद में फर्लिंगेटी ने तो खैर अपनी डायरी में लिखा ही उनके बारे में, पर गिन्सबर्ग ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई एज़रा पाउंड हो सकता है, एज़रा पाउंड जैसा कभी हो सकता है, तो सिर्फ एक है और वो है त्रिलोचन। तो ये धाक, ये बात त्रिलोचन, त्रिलोचन से मिलते हुए आपको कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगा यानी मतलब जीवन में कि हम कितने महत्वपूर्ण, कितने बड़े लेखक से मिल रहे हैं। वो इतने सहज थे, इतना यानी इतनी सहजता के साथ वो अपने बारे में, तो खैर कभी त्रिलोचन बहुत ही झेपू, उनका एक बड़ा सुंदर कविता है उनकी पहले ही संग्रह में धरती में एक कविता है, तो उसमें उनने अपने बारे में लिखा है, बचपन के बारे में वो कविता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं थोड़ा झेपू था। तो आप बात तक भी देखें त्रिलोचन को तो उनसे कभी भी उनके बारे में आप बात नहीं सुन सकते थे, त्रिलोचन अपने बारे में कभी बात नहीं करते थे। कभी बहुत किस्सा निकल आए तो अपनी ताकत का बखान करते हुए कि मैं गंगा को 3 बार पार कर लेता था वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ बातें वो कर दिया करते थे। पर बाकी त्रिलोचन अपने बारे में लगभग नहीं बोलते थे। तो ये एक खूबी तो त्रिलोचन में रही है। तो ये एक जो कविता थी वो तो इसलिए भी मुझे लगा कि त्रिलोचन की बहुत सारी कविताएं आप देखें, मतलब गज़ल के फॉर्म में उनने एक पूरा संग्रह है जो गुलाब और बुलबुल के नाम से छपा, और उसमें भी जो बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं यानी गज़लें हैं, उनमें ऐसे कई शेर हैं जिनमें बात को लेकर त्रिलोचन में ने कई शेर लिखे। हालांकि उन गज़लों को गज़ल वाले कितना एक्सेप्ट करेंगे एक अलग मुद्दा है, पर उसमें भी एक जैसे शेर है कि हम त्रिलोचन तुझसे कहने वाले थे, हम त्रिलोचन तुझसे कहने वाले थे और कुछ कर, बात का जादू न कर। तो ये जो बात का जादू न कर, या एक जगह आता है उसमें कि पहले खाना मिला करे तो कठिन नहीं है बात बनाना, तो ऐसे बहुत सारी जगह। और यूं भी गज़ल के फॉर्म को ये कहा जाता है कि वो एक तरह की बातचीत का, एक तरह की संबोधन का फॉर्म भी है, तो वो त्रिलोचन के यहाँ आपको दिखाई देगा।
कुछ शेर और बहुत सुंदर हैं, जैसे त्रिलोचन हंस के औरों को हंसाओ तब तो हम माने, त्रिलोचन हंस के औरों को हंसाओ तब तो हम माने, ये दुनिया घर के घेरे में बहुत बंद बंद के रोली है, जानता है तू त्रिलोचन क्या फकीरी रंग है, जानता है तू त्रिलोचन क्या फकीरी रंग है, क्यों नगर में घूमता हूँ क्यों सदा देता हूँ मैं। तो ये जो सदा देना है, जो दूसरों को पुकारना है, दूसरों से बात करना है, दूसरों को जगाना है, ये काम त्रिलोचन बहुत बड़े स्तर पर करते रहे। जो बात बहुत उससे यानी जहाँ त्रिलोचन लगभग हिंदी में सॉनेट की पर्याय मान लिए गए, सॉनेट का जो मामला है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ये बहुत दिलचस्प है। 50 के आसपास का जो समय है वहां से ये एक बड़ा कठिन समय है हिंदुस्तान भारतीय राजनीति का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, संविधान बन रहा है जैसे 52 में लागू होना है, एक नया राष्ट्र उदित हो रहा है स्वतंत्रता के बाद, उसे बनाने की सारी योजनाएं और उसके बनाने के स्वप्न, उसके महान स्वप्न जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता वहां पे हैं, गांधी गुजर चुके हैं, और तमाम लोग इस बात में के लिए संकल्पित हैं कि कैसे इस देश को बनाया जाए, कैसे इस देश को एक बड़ा अच्छा और सेक्युलर और एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसके अधिकार मिले। यही वो समय है जब त्रिलोचन, जो धरती के त्रिलोचन हैं, वो बदल कर सॉनेट लिखना शुरू करते हैं। और ये याद रखिए कि धरती जो 45 में आई थी और 44-45 के आसपास आई थी और उसी समय तार सप्तक आया था, आज इतने साल बाद यानी 70-75 साल से भी ज़्यादा के बाद जोड़ें 50, हाँ तो जो 45 से इतना बाद में आके अगर आज की तारीख में आप दोनों को पढ़ें, चार सप्ताह को पढ़ें और धरती को पढ़ें, तो आप जान सकते हैं कि धरती की भाषा आज भी चार सप्ताह के कवियों की तुलना में ज़्यादा ताजी, ज़्यादा टटकी, ज़्यादा आज की कविता लगती है, उससे आज भी आप संबंध बना सकते हैं। चार सप्ताह की कविता उसके सामने फीकी लगती है भाषा के मामले में, तो कम से कम वो पिछड़ी हुई लगती है। तो ये खूबी त्रिलोचन की भाषा में ऐसे ही नहीं आ गई है, त्रिलोचन भाषा को लेके इतने ज्यादा सतर्क, इतने सावधान कवि हैं और इतने जिज्ञासु और लालायित होने वाले कवि हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को अपने में आत्मसात कर लें, तो बहुत सारी भाषाओं को अपने लिए। और हमेशा हम सब से, मतलब हम लोग तो उस समय बिल्कुल एक तरह के छात्र थे कविता के, कहते थे ये सब तुम कविता वगैरह तो ठीक है पर एक पूरा वाक्य लिखकर बताओ, ये त्रिलोचन का हर कवि से, हर व्यक्ति से एक कहना होता था कि एक पूरा वाक्य लिखकर बताओ, यानी पूरा वाक्य यानी जिसमें सहायक क्रिया वगैरह सब। आप सोच सकते हैं कि छायावाद के बहुत दूर तक प्रभाव हुए और छायावाद ने हमेशा ये कोशिश की कि वाक्य में सहायक क्रियाएं ना हो,
पंत जी ने तो जैसा पंत और पल्लव की भूमिका यानी पल्लव की भूमिका में पंत जी ने लिखा है कि ये जो है जैसा शब्द है ये दो सींग वाला जो हिरन है वो बहुत गड़बड़ करता है, इसे बाहर निकाल देना चाहिए भाषा से। छायावादी कवि कहते थे कि ये जो साहित्रियाएँ हैं वो उसके सारे संगीत को नष्ट कर देती हैं, पर त्रिलोचन इससे बिल्कुल विपरीत छायावाद से, जबकि त्रिलोचन के लिए तो निराला लगभग यानी मतलब निराला और तुलसी उनके दो ऐसे प्रिय कवि रहे हैं कि बात कहीं से शुरू हो, किसी भी तरह की बात शुरू हो वो अंत में या तो निराला पे समाप्त होती थी या तुलसीदास पे शुरू खत्म होती थी। तो ये इतना प्रेम इतना ज़्यादा आगाध और निराला की कविताओं को समझाने का ऐसा यानी ऐसा उपक्रम कोई शायद ही हिंदी का बड़े से बड़ा लेखक या अध्यापक रहा होगा जो इस तरह से निराला की कविताओं को समझा सके, एक एक पंक्ति एक एक शब्द। मैं ही बसंत का अग्रदूत वाली कविता कभी ना होगा मेरा अंत, हम लोगों को जब वो पढ़कर और एक एक पंक्ति को खोलते हुए समझाते थे तो लगता था कि अच्छा इतने अर्थ इसमें छुपे हुए, निराला को कैसे समझें, ये तमीज हम लोगों को शायद अगर त्रिलोचन भोपाल ना आए होते तो कभी ना आती। तो त्रिलोचन जी में ये एक अद्भुत बात थी और बहुत ही सुंदर ढंग से। तो 50 का समय है जिस समय हमारा देश एक राष्ट्र बन रहा है जिसमें संविधान लागू होने वाला है, अपना संविधान जहाँ पूरा हुआ है एक नए राष्ट्र के रूप में भारत जन्म ले रहा है कहना चाहिए, और उसी समय त्रिलोचन एक नया फॉर्म चुनते हैं, ये फॉर्म है सानेट का। सानेट के बारे में कहा जाता है कि वो मूलतः जो है वो बातचीत का फॉर्म है, 14 पंक्ति का होता है सानेट, और उसमें पेट्रार्की सानेट में तो ये कहा गया कि वो प्रेमिका से बात करने का फॉर्म है, पर त्रिलोचन के लिए तो सब कुछ ही प्रेमिका है, उनके लिए प्रकृति भी प्रेमिका है और उनके लिए जनता भी प्रेमिका है और उनके लिए सब कुछ जीवन ही एक तरह का प्रेमिका है, तो वो सबसे बात ही कर रहे हैं। ये भी कुछ कारण हो सकता है कि सानेट को त्रिलोचन ने चुना, त्रिलोचन एक ऐसे फॉर्म को चुना, और ये बहुत ही दिलचस्प है जब त्रिलोचन के सॉनेट को हम देखना शुरू करते हैं जो बाद में लगभग त्रिलोचन का पर्यायवाची बन गया, इतने सॉनेट उन्होंने लिखे। और बाद में तो यानी कुछ ऐसा होता था, मुझे याद है कि त्रिलोचन जी बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग था उनका, और कई बार जब पोस्ट कार्ड लिखते थे किसी को जवाब देने के लिए, ख़ास तौर से वाचस्पति को जवाब देने के लिए जब पोस्ट कार्ड लिख रहे होते थे तो वो लिखते लिखते एक जवाब में सॉनेट लिख देते थे और फिर कहते थे यार वाचस्पति को ये पत्र लिख रहा था ये सॉनेट में हो गया है, तो वो फिर उस सॉनेट को सुनाते थे और फिर उसको पोस्ट कर दिया जाता था। वाचस्पति जी के पास, वाचस्पति जी से मैंने कहा भी कि त्रिलोचन जी ने आपको कई सारे पत्रों में सॉनेट लिखे हैं उनको कम से कम संकलित कर दीजिए, तो खैर वाचस्पति जी बाद में बताएंगे कि कितने सॉनेट्स त्रिलोचन ने उनको भेजे। तो वो सॉनेट का जो फॉर्म था जो जिसमें तीन प्रमुख फॉर्म जो त्रिलोचन ने यूज़ किए, जिसमें सबसे पहले जो शब्द वाले सॉनेट जो हैं जो पेट्रार्की सॉनेट्स जिससे कहते हैं कि सॉनेट का फॉर्म ही वहीं से शुरू हुआ पेट्रार्की सॉनेट से, उसमें एक बहुत ही सुंदर दिगंत में पहला जो सॉनेट है जो मैं आपको सुनाता हूँ वो बहुत ही एक तरह से भूमिका है त्रिलोचन की इस काम की।
इधर त्रिलोचन सॉनेट के ही पथ पर दौड़ा। सॉनेट 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 क्या कर डाला ये उसने भी अजब तमाशा। मन की माला गले डाल ली, इस सॉनेट का रास्ता चौड़ा अधिक नहीं है। इस सॉनेट का रास्ता चौड़ा अधिक नहीं है, कसे कसाए भाव अनूठे ऐसे आए जैसे किला आगरे, जैसे किला आगरा में जो नग है दिखलाता है पूरे ताजमहल को। गे रहे एकान्विति हो, उसने तो झूठे ठाट बाट बांधे हैं, चीज किराए की है। ये दिलचस्प बात है, इस पे गौर किया जाना चाहिए। चीज किराए की है, स्पेंसर सिडनी शेक्सपियर मिल्टन की वाणी, वर्ड्सवर्थ कीट्स की अनवरत प्री कल्याणी स्वर धारा है। उसने नई चीज क्या दी है, सॉनेट से मजाक भी उसने खूब किया है, जहां तहां रंग व्यंग का छिड़क दिया है। तो त्रिलोचन जी ने ये तो बता दिया कि शिल्प के स्तर पर ये किराए का घर है, ये किराए की चीज है जो उनने ले ली है। पर एक जगह त्रिलोचन जी ने ये कहा बहुत स्पष्टता के साथ कि मैंने ये तो ठीक है कि एक तरह से पश्चिम से प्रभावित मैं हुआ, लेकिन जो कंटेंट है, जो अंतर वस्तु है कविता की, वो मेरी अपनी है। धरती पे इलाहाबाद के ऑल इंडिया रेडियो ने किसी जमाने में एक श्रृंखला चलाई थी, ऐसा मुझे नामवर जी ने बताया। उसमें हर लेखक से उसकी जो पहली कृति होती थी उस पर बोलने के लिए कहा जाता था कि वो अपनी पहली कृति में। तो मुझे आश्चर्य है कि त्रिलोचन जी ने पता नहीं किस मूड में और कब ऐसा हुआ कि कुछ बहुत पतली पतली सी पट्टियां कागज की लिखी हुई मुझे दी थी, जिस में बहुत बारीक बारीक अक्षरों में धरती पर एक पूरा वो लिखा हुआ था और उसमें लिखा था मेरी पहली किताब। मैं त्रिलोचन जी से भी नहीं पूछ पाया, वो मेरे पास रखी रही और मैं भूल गया कि ये मेरे पास रखी है, और मुझे नहीं मालूम था कि इसका क्या रेफरेंस है। बाद में त्रिलोचन जी पर एक अंक निकल रहा था आलोचना का, तो मैंने कहा, अरुण कमल संपादक हो गए थे और नामवर जी तो थे ही प्रधान संपादक, तो मैंने कहा इस तरह का एक है मेरी पहली किताब, उसमें त्रिलोचन जी ने अपनी धरती पर लिखा है, ये पता नहीं कि क्यों किस संदर्भ में लिखा है। फिर मालूम पड़ा कि वो इलाहाबाद में इस तरह का आकाशवाणी से एक वो होता था, कार्यक्रम होता था, जिसमें कवि स्वयं अपनी किताब के बारे में बोलता था, तो उसके लिए वो लिखा था। उसमें एक जगह लिखा है और वो बहुत ही दिलचस्प है, ये 53 या 54 में लिखी गई टिप्पणी है त्रिलोचन जी की, हालांकि 45 में आई किताब पे 53-54 में बोला गया है ये। तो उन्हें लिखा कि धरती में ये देखने का प्रयत्न किया गया कि गद्य और पद्य की सीमाएं कहाँ मिलती और कहाँ समाप्त होती हैं। ये बहुत ही बारीक बात त्रिलोचन ने कही। बाकी उन्होंने कहा कि पद्य प्रवाह के बीच कहीं तो एकाध गद्य प्रबोधक शब्द है और कहीं वाक्य, गद्य प्रवाह के बीच कहीं पद्य प्रबोधक वाक्य खंड है और कहीं 2-3 पंक्तियां। और इसे उन्होंने बिना हिचक स्वीकार किया कि ये बातें पश्चिमी कलाकारों के प्रभाव से आईं, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि छंद और शैली के अलावा विषय मैंने कहीं किसी से नहीं लिया, वह मेरा अपना है।
जो बात अभी हम सॉनेट को पढ़ते हुए, सॉनेट को देखते हुए सोच रहे थे कि तिलोचन ने बिना हिचक ये कहा कि ये किराए का घर है, ये किराए का की शैली है जो ली है। हालांकि तिलोचन अद्भुत ढंग से सॉनेट को उनने अपनाया, और इस पे हम आगे बात करेंगे कि कितना मजे से अपनाया, कितना चेंज किया, मतलब सॉनेट में कैसे सॉनेट, इससे पहले भी तिलोचन से पहले भी कुछ लोगों ने इक्का दुक्का सॉनेट लिखे थे। कहा जाता है कि प्रसाद ने भी एक आध सॉनेट लिखा था, पर कभी सॉनेट का फॉर्म हिंदी में इससे पहले कभी उसको ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा सम्मान और ऐसी स्वीकृति मिली हो ये नहीं दिखाई देता। पहली बार स्वीकृति वहीं मिली। और एक बहुत दिलचस्प बात जब इसमें मैं बताना चाहता हूँ तिलोचन से, तिलोचन जी ने एक बार क्या बल्कि कई बार सॉनेट के संदर्भ में बहुत सुंदर एक कथा, वो एक किस्सा बताते थे, और उसे उन्हें एक साक्षात्कार में, मंगलेश ने उस साक्षात्कार लिया था, उसमें भी उन्हें विस्तार से कहा। इस बड़े से हिस्से को मैं पूरा आपको पढ़ के इसलिए सुनाऊंगा कि उसमें त्रिलोचन किस ढंग से बात करते थे, त्रिलोचन के बात करने का जो अंदाज था, कि कैसे वो एक बात कहना है उसे कहाँ से वो शुरू करेंगे, कहाँ वो ख़त्म करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सब उसमें होता था। वो एक यानी उनके बारे में कहा गया कि वो विषयांतर के एक्सपर्ट थे, मतलब किसी भी बात को में इतने विषयांतर करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं शायद मिलेगा। अशोक वाजपेयी ने कई बार कहा कि वो विषयांतर के एक्सपर्ट हैं। तो ये सच है कि त्रिलोचन जब बात कर रहे होते थे तो एक धारा में यानी एक किसी उस पर नहीं चल रहे होते थे, बात कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ भटक रही है, ये बताना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये इसीलिए मैं आपको सुनाता हूँ जो सॉनेट के बारे में उनने कहा, कि सॉनेट के बारे में सुनिए। एक हुआ है बेन जॉनसन, 1621 तक जीवित रहा, पैदा हुआ था 1573 में, यानी शेक्सपियर से 9 साल छोटा था। ये ग्रीक और लैटिन का भी मास्टर था, पर अधिकार होना और आनंद लेना इनमें अंतर होता है। अधिकार उसका माना जाएगा जो चमत्कारिक भाषण करते हैं, और समय और संस्कार लेने की जिनमें क्षमता है, हो सकता है वे बोल ना पाए, पर उससे ज्यादा टिकाऊ संस्कार लेने वाला होगा। अपने युग में कोई बड़ा कवि मालूम नहीं होता कि बड़ा है। अपने युग में कोई बड़ा कवि मालूम नहीं होता कि वो बड़ा है। सड़क पर चलते हुए लोगों से बड़ा आदमी भी अपरिचय रहता है। ऐसे ही रचना में कौन बड़ा है, इसका फैसला तो उसके बाद के हर दशक में होता रहता है। चर्चा करने वाले अगर बढ़ रहे हैं तो लोकप्रियत्व साबित होता है, और समझदार अगर उस पर और काम कर रहे हैं तो इसका मतलब रचनात्मक क्षमता उसमें है। ये यहां से सॉनेट के बारे में ये चर्चा शुरू हुई है। आगे कहते हैं, तो बेन जॉनसन के यहां टेबल टॉक होती थी, पब में टेबल टॉक कर रहे हैं और पीने का ऑर्डर दे रहे हैं। साहित्यकार उन दिनों वहां भी इसी तरह तबाह थे जैसे हमारे यहां आज हैं। हालांकि त्रिलोचन जी स्वयं भी इस मामले में काफी तबाह थे। बहरहाल, तो साहित्यकारों के कुछ भक्त होते थे जो टेबल टॉक को लिखा करते थे, कई किताबें हैं उस टेबल टॉक की। तो जॉनसन से किसी ने पूछा कि सॉनेट पर क्या विचार हैं आपके, तो जॉनसन से किसी ने पूछा कि सॉनेट पर क्या विचार हैं आपके,
तो उसने ग्रीक लीजेंड से एक नाम लिया और कहा यह प्रोपेस्टेत का बिछोना है। प्रोपेस्टेस एक राक्षस था। तो उसने ग्रीक लीजेंड से एक नाम लिया और कहा कि यह प्रोपेस्टेत का बिछोना है। प्रोपेस्टेत एक राक्षस था जो एक बिछोना और एक कुल्हाड़ी लिए घूमा करता था और जो भी चलता फिरता नजर आए तो हाथ जोड़कर कहता था बैठ जाइए, आराम कीजिए। अगर कोई बैठ गया तो फिर प्रार्थना करता था कि आप लेट जाइए। और लेटने में उसके शरीर का जो भी हिस्सा बाहर निकलता था उसे कुल्हाड़ी से काट देता था और खा जाता था। यानी सानेट में अगर कविता का पांव बढ़ रहा है तो पांव काट देंगे, सिर बढ़ रहा है तो सिर काट देंगे। सानेट पर जब व्यंग हुए तो शेक्सपियर ने इसका जवाब दिया, रिव्यू नॉट सॉनेट। उसने कहा कि यह हमारी वे कोठरी है जिसमें हम साधना करते हैं। ये इतना बड़ा प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि इसमें त्रिलोचन के बात करने का अंदाज भी है और सॉनेट को किस तरह से उनने बेन जॉनसन से समझा कि वो 14 पंक्ति का एक ऐसा बिछोना है। हालांकि त्रिलोचन जी ने कई बार कहा और इसे बहुत बार उन्होंने कहा कि जब बात पूरी नहीं हो रही होती है तो कई बार ऐसे सॉनेट लिखे गए हैं जो 14 पंक्तियों की बजाय 15 के या 19 पंक्तियों तक के सॉनेट लिखे गए और कई बार उनकी मात्राओं के दृष्टि से भी वो छंद से छंद का अतिक्रमण करते हैं, ऐसा बहुत बार। खुद त्रिलोचन में संभवतः एक आध सॉनेट ऐसा कभी उनने उल्लेख किया था, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, पर जिसमें 14 की जगह 15 पंक्तियाँ। तो त्रिलोचन ने तीन जो बहुत ही प्रिय तरह के सॉनेट्स के फॉर्म थे ख़ास तौर से, जैसे एक तो पेट्रार्की सॉनेट जो जहाँ से त्रिलोचन शुरू करते हैं तो वो लिखा, और फिर स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन सॉनेट्स के भी उनने बहुत सारे प्रयोग किए जो बाद के उस जनपद का कवि हूँ वगैरह में दिखाई देते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये माना जाता है कि जो पेट्रार्की सॉनेट था उसमें 8 पंक्तियाँ तो थोड़ी एक तरह से अनुशासन में थी और उसके बाद की जो 6 पंक्तियाँ होती थी वहाँ पे वो एक तरह की स्वतंत्रता उसमें थी। तो इसलिए शायद त्रिलोचन को वो कहीं ना कहीं सॉनेट का वो फॉर्म आकर्षित करता रहा होगा। ये मुझे, हालांकि ये सब बहुत ही हाइपोथेटिकल है और मैं इसे इस ढंग से कह रहा हूँ जो जिस ढंग से मैंने उन्हें पढ़ते हुए समझाया सोचा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो उसी ढंग से हूँ। मैं वो हिस्सा ढूंढ रहा था जिसमें वो, हाँ, तो ये है कि जो एक स्वभाव है, एक अक्सर कहा जाता है त्रिलोचन को जिन लोगों ने देखा है, और बहुत ही अद्भुत मुस्कान थी उनकी, अद्भुत मुस्कुराहट थी उनकी। यूँ उनका चेहरा बहुत ही किसानी और बड़ा खुरदुरा सा चेहरा था। और मैं एक वाक्या इस बीच में आपको बताऊं कि जब हम लोग त्रिलोचन 60 के 60 से थोड़े से ज़्यादा हुए थे तो हम लोग एक पत्रिका निकाला करते थे भोपाल से इसलिए नाम से, उसका एक अंक हमने त्रिलोचन पर प्लान किया। तो ये था कि त्रिलोचन का उसमें स्केच जाए। विनय दुबे जो अब नहीं है,
विनय दुबे ने बहुत सारे स्केचेस, और भी एक ग्वालियर के एक चित्रकार होते थे, उनने भी बहुत सारे स्केचेस त्रिलोचन के बनाए, पर अंत में पाया कि विनय दुबे ने एक उनके चेहरे का स्केच बनाया जिसमें उनका चेहरा बहुत ही कुरदुरा और बहुत ही कड़ियल जैसा कि वो किसानी चेहरा था वो बनाया। बाद में जब नीलाभ ने धरती के पुनर्मुद्रण की योजना बनाई तो उस पर एक पट्टी उसके साथ कवर के साथ दी गई जिसमें वो चेहरा या तो इसलिए में भी छपा और वो उसमें भी छपा गया। तो पर त्रिलोचन जब मुस्कुराते थे उनकी मुस्कान इतनी अच्छी थी कि जैसे ही वो मुस्कुराते थे उनका चेहरा इतना नरम हो जाता था कि आश्चर्य होता था कि ये वही चेहरा है। तो ये दोनों बातें त्रिलोचन में रही हैं और त्रिलोचन को अद्भुत उस तरह से बहुत ही खड़ियल काठी के आदमी थे और उन्हें खुद भी ये मालूम था कि वो उनकी काठी बहुत ही मजबूत है ये वो मानते थे। हालांकि बहुत सारी बाद में उन्हें कमजोरियों की बातें हुई पर फिर भी ये तो वो जो मैं कह रहा था कि उसमें जो पेट्रार्की सोनेट जो जिसमें शब्द के ज़्यादातर सोनेट हैं और जो शुरू के सोनेट्स हैं उसमें अष्टपदी में लय का अनुशासन और जो बाद का हिस्सा है 14 में से 8 लाइन का एक हिस्सा होता है और 6 लाइन का दूसरा हिस्सा होता है। तो जो 8 लाइन का हिस्सा है उसमें लय का अनुशासन होता है, एक बिल्कुल बाकायदा अनुशासित मामला होता है। लेकिन जो षटपदी है जो 6 लाइन का वो है उसमें लय की स्वतंत्रता है। तो इस द्वैत ने कहीं ना कहीं त्रिलोचन के अपने स्वभाव को लुभाया होगा। त्रिलोचन के स्वभाव में ये जो दोनों पक्ष एक साथ चलते हैं, एक तरफ उनमें अद्भुत किस्म का क्लासिकल अनुशासन है और एक अद्भुत बात त्रिलोचन की पूरी कविता को पढ़ते हुए आपको महसूस होगी, बल्कि बातचीत में तो उतना नहीं महसूस होता था पर पढ़ते हुए महसूस होगा कि त्रिलोचन एक तरफ बहुत बातूनी नजर आएंगे आपको बहुत बात करते हुए और दूसरी तरफ एकदम बहुत सारी बात को किसी एक मुहावरे में एक जुमले में एक पंक्ति में समेट देंगे। तो एक तरफ बहुत बतियाना और दूसरी तरफ इतनी मितव्ययिता इतनी कड़ियल मितव्ययिता उनकी कविता में कहीं पे भी आपको बहुत लूज पंक्ति नहीं मिलेगी, कहीं पे भी उनकी फैलती हुई बातें नहीं मिलेंगी। तो पूरी कविता एक तरह के क्लासिकल एक तरह के अनुशासन में क्लासिकी अनुशासन उसमें महसूस होता है। हो सकता है कि ये उन्हें एक तरफ अगर अपनी जनपदी भाषाओं से उनको अपना बातूनीपन मिला होगा तो दूसरी तरफ संस्कृत जानने के कारण या पता नहीं किस कारण उन्हें वो क्लास की अनुशासन भी मिला होगा। जो एक जगह कालिदास की पंक्तियों को लेकर एक छोटी सी कविता उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो फल लगे हैं वो इतनी दूर हैं कि उनके लिए मैंने हाथ ऊँचाए पर वो बहुत छोटे पड़ गए। तो ये सब उनको कहीं ना कहीं जो संस्कृत से एक डिसिप्लिन आया था। तो ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन, हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में एमए प्रीवियस किया, फाइनल नहीं किया त्रिलोचन ने, बहुत सारे उनके आर्थिक कारण रहे हैं, उन्होंने बहुत कष्टप्रद जीवन देखा है शुरू के दिनों में। तो ये सब तो खैर बहुत सारी किस्सों की बातें हैं और तरह तरह के किस्से त्रिलोचन के बारे में, यानी जो मैं कह रहा था कि विश्वनाथ जी ने कहा कि क्यों दंती पुरुष हैं, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक तरफ वो किस्से हैं जिनमें उनकी हालत बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, कई कई दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, जिसमें वो पंक्तियाँ ही है कि खाना मिला करे तो
कठिन नहीं है बात बनाना। तो वो दिन भी हैं वो जो कविताओं में आते हैं। एक बार मैंने 3 सॉनेट उनके जो त्रिलोचन पर ही यानी वो किए गए, उसमें त्रिलोचन खुद पात्र है, त्रिलोचन एक शब्द है, तो उनको मैंने बाकलम खुद करके रखा, तो उनने उस शीर्षक को बदल दिया, जब ताप के ताए हुए दिन संग्रह में कर रहा था तो उसका हेडिंग उनने बदल दिया और उसमें लिखा कि ये जो है वो व्यक्तिगत नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों ने, चंद्रबली जी ने और नामवर जी ने और सभी ने ये कहा कि इतने सारी कविताएं धरती से लेकर और बात तक हैं जिसमें वो खुद कहीं ना कहीं उनका जीवन प्रसंग उसमें है और कहीं ना कहीं वो खुद हैं उसमें, कि अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो त्रिलोचन की एक बायोग्राफी के सूत्र उसमें से निकल सकते हैं। ये बात चंद्रबली जी ने भी कही है कि त्रिलोचन जी पर ये सब हो सकता है, यानी मतलब आत्म वाले जो ऐसी कविताएं हैं जो जैसे आत्मनेपथ कहें या जो भी कहें, उससे त्रिलोचन के जीवन को जाना जा सकता है, ऐसा बहुत सारी जगह पर है। तो ये हो सकता है कि त्रिलोचन को सॉनेट इसलिए भी बहुत लुभाता रहा होगा। एक बहस जो त्रिलोचन को लेकर बहुत लोगों को, एक्चुअली त्रिलोचन को पढ़ना और उसे एक तरह से अपने, एक्चुअली त्रिलोचन को पढ़ना बहुत कठिन काम है मुझे लगता है, क्योंकि त्रिलोचन एक ऐसे आदमी हैं, शमशेर ने लिखा है कि उन्हें किसी तरह का कोई जरा सा भी किंचित शब्द यूज किया है शमशेर ने, किंचित लालित्य भी कविता में पसंद नहीं है, वो त्रिलोचन बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई लाली पाउडर नहीं, वो बड़ा ठेठ भाषा की कविता है, इसलिए उसमें किंचित लालित्य नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, उसमें बहुत भावों की ऊपर नीचे जाती हुई लय नहीं है, वो एक बहुत ही स्थिर लय का बहुत ही उस पर चलती हुई कविता है। इसलिए कई बार हमारे संस्कार बने द्विवेदी युग की कविता पढ़ते हुए, हमारे संस्कार बने वीर गाथा काल की कविताएं पढ़ते हुए, भक्ति काल की कविताएं पढ़ते हुए, हमारे संस्कार बने छायावाद की भावों की इतनी उछाल वाली स्वच्छतावादी कविता पढ़ते हुए जिसमें रोमांटिसिज्म के यानी नए रोमांटिसिज्म का की कविता को पढ़ते हुए, उसके बाद जब त्रिलोचन की कविता की तरफ आप जाते हैं तो बहुत कठिनाई आपको होती है, उसे पढ़ते हुए आपको बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ती है, जबकि वो बहुत सरल है, उसमें कोई भाषा का छल नहीं है, उसमें कोई भाषा के बहुत तत्सम नहीं है, उसमें किसी तरीके की कठिनाई नहीं है, ना उसके अंतर्वस्तु में बहुत जटिलताएं नहीं है, उसमें कोई फैंटेसियां नहीं है, बहुत कम हैं, कहीं कहीं ही फैंटेसी आती है। मुझे एक रूपक बहुत दिलचस्प लगता था, मैं भोपाल में ही रहा जीवन भर, तो भोपाल एक ऐसा शहर है जो पहाड़ी शहर की तरह है, और मुझे यहाँ से एक बार 2-3 साल के लिए मुझे इंदौर जाना पड़ा। ये दो शहर जो हैं ये बहुत ही अलग अलग तरह के शहर हैं, एक है जो पहाड़ी शहर की तरह जिसमें बहुत सारी ऊंचाइयां नीचाइयां हैं भोपाल जो है, और इंदौर एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल एकदम प्लेन पर है, एकदम सीधा है। तो मैंने तो साइकिल सीखी भोपाल में,
तो जब आप एक ऐसी जगह पर साइकिल सीखते हैं जो पहाड़ी जैसी जगह होती है, पहाड़ी शहरों जैसी जगह होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब चढ़ाई आती है तो आप थोड़ा सा सीट से उछक कर और पेडल मार के और हाँफते हुए उस चढ़ाई को चढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद एकदम ढलान आता है, और ढलान आता है तो आप बिल्कुल रेस्ट में हो जाते हैं, और बिल्कुल जैसे हवाई जहाज लैंड करता है उस तरह से साइकिल सर्राती हुई नीचे उतर जाती है, बल्कि उससे अगली चढ़ाई पर भी उसी फोर्स से चढ़ जाती है। जब इससे आप एक दूसरी जगह ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ 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 पे आपने अगर यहाँ साइकिल सीखी और आप एक ऐसे शहर में चले जाएं जो बिल्कुल प्लेन पर है, तो उसमें आपको लगातार पेडल मारना पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है जब हम छायावाद से त्रिलोचन की कविता की तरफ आते हैं, क्योंकि छायावाद तो वो रोमांटिसिज्म का वो दौर है जिसमें बहुत भावों के उतार चढ़ाव हैं, और उससे हम एक ऐसी कड़ियल कविता की तरफ आए जिसमें किंचित भी लालित्य, किंचित भी लाली पाउडर नहीं हो, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, जिसमें रास कसी हुई है, कहीं वो रास छोड़ते नहीं। तो ऐसी जगह जब आप पाते हैं तो आप को कठिनाई होती है। इसलिए त्रिलोचन की कविता के बारे में बहुत सारे ऐसे लोगों ने समझने में गलतियां की। ये मैं कहना चाहता हूं, मलयज जी ने, मलयज बहुत अच्छे आलोचक थे, पर उनकी दिक्कतें वही थीं। इसलिए मलयज ने एक लेख लिखा औसत भारतीयता का कवि त्रिलोचन पर, उसमें उनने बहुत सारी त्रिलोचन की जो खूबसूरतियां हैं उनको तो कहा कि त्रिलोचन की कविता में संकल्प का ओझ है, वे दहकती हुई आग नहीं जो अन्याय और असमानता को जलाकर राख कर दे। इसलिए उसके क्रांति के आह्वान में भी एक शांत गंभीर मंत्रणा का पुट है। व्यवस्था और तंत्र की ईंट से ईंट बजा देने वाली आक्रोशी ललकार नहीं, उसके जीवन संघर्ष की आंच बाहर से अधिक भीतर को प्रकाशित करती है। ये ऐसा विश्लेषण है जो दो तरह से पढ़ा जा सकता है, और कहना चाहें कि वो एक ऐसी कविता है जो अपने को पूरे संयम में रखती है, जिसमें रास खिंची हुई है। उसी में वो यानी वो सारी वो उन्मुक्त नहीं छोड़ते, सब सधा हुआ है। इसी में आगे उनने मलयज ने कहा, जो इस क्लास की संयम को वो शायद वो नहीं कर पाए, इसलिए उनने आगे लिखा कि अभिव्यंजना और विषय प्रतिपादन इन दोनों पर, ये तो त्रिलोचन ने कहा कि अभिव्यंजना और विषय प्रतिपादन दोनों पर मैं ध्यान देता हूं, विषय हो सकता है किसी को ना रुचे, ऐसी स्थिति में यदि प्रतिपादन पंगु है तो रचना रचना ही नहीं है। तो ये तत्व महत्वपूर्ण है, संबोधित है, तो त्रिलोचन इसको मानते हैं, पर साथ ही वो इसे भी स्पष्ट कर देते हैं कि मैं किसके लिए लिखता हूं। ये त्रिलोचन स्पष्ट करते हैं कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं। त्रिलोचन ने इसे स्पष्ट किया कि उनकी कविता किसको संबोधित है। मैं सबके लिए नहीं लिखता, ये त्रिलोचन जी कह रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं लिखता, उनके लिए लिखता हूं जो सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हैं, जो अपना दुख तो देखते ही हैं, औरों का दुख भी देखने की आंख रखते हैं, जो अत्याचार की शक्तियों से किसी भी मूल्य पर समझौता नहीं करेंगे। यहां त्रिलोचन ने अपनी
कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी कविता के सारे ए, 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 कहना चाहिए कि विचार को बहुत ही कम शब्दों में, जैसा कि त्रिलोचन की आदत थी, बहुत साफ साफ, मतलब वो उनके यहाँ कोई लाग लपेट तो हो ही नहीं सकती थी, तो बहुत साफ साफ कहा कि मैं उनके सबके लिए नहीं लिख रहा, मैं ऐसा नहीं है कि कोई सार्वजनिक कोई संपत्ति नहीं है मेरी कविता, मैं सबके लिए नहीं लिख रहा, मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो इस दुनिया को सचमुच बदलना चाहते हैं, जो इसको उसको को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो शोषण के विरुद्ध हैं, जो तमाम चीज़ों ऐसे अन्याय के विरुद्ध हैं जो लोग। तो ये बात त्रिलोचन अपने उसके बारे में कहा। एक बड़ी बहस है त्रिलोचन की आधुनिकता को लेकर। खुद त्रिलोचन ने, कवि नाम की एक पत्रिका निकलती थी जिसे विष्णुचंद शर्मा निकालते थे, वो अद्भुत पत्रिका थी, कविता की पत्रिका थी और बहुत छोटी सी पत्रिका थी, उसमें एक बागद्वार करके एक कॉलम छपता था जिसमें एक कवि दूसरे कवि को प्रस्तुत करता था, जिसमें नामवर सिंह की कविताएं भी छपी हैं और नामवर जी को प्रस्तुत किया त्रिलोचन शास्त्री ने, तो यानी एक टिप्पणी जो शुरू में लिखी जाती थी वो त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी। तो इस तरह त्रिलोचन जी ने जो त्रिलोचन जी की पे जो बात है उसमें ही कहीं उनने आधुनिकता को लेकर जो जो जिस तरह की बहसें चल रही थी 60 और 70 के दशक में आधुनिकता को, उसको क्वेश्चन किया, उसको उनने कहा कि नहीं, आधुनिकता सिर्फ यही नहीं है आधुनिकता, और उनने कहना चाहिए कि जो एक दूसरे तरह की आधुनिकता के बारे में, नलिन विलोचन शर्मा जो नकिनवाद और प्रपत्तिवाद जिसे कहते हैं, तो प्रपत्तिवाद के फेवर में कहीं ना कहीं प्रपत्तिवाद को डिफेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे तरह की आधुनिकता है जो अन्य आधुनिकता की बहसों से अलग है। यही एक बहुत जो लंबी बहस है आधुनिकता को लेकर, और आधुनिकता के कुछ क्लीशे बने हुए हैं और आधुनिकता के कुछ अपने मुहावरे बने हुए हैं, तो उनमें मैं नहीं जाऊँगा, और इसीलिए शायद मलयत जी को जो त्रिलोचन लगे वो उस ढंग के आधुनिक नहीं लगे, और उनने यहाँ तक लिखा कि त्रिलोचन की कला सेल्फ कॉन्शियस कला नहीं है। ये इससे ये भी जान लेंगे कि आधुनिकता पर जो बहसें चल रही थी उनमें किस चीज़ से आधुनिकता जांची जा रही थी, किस चीज़ से आधुनिकता को पहचाना जा रहा था, ये बात भी इसमें आपको समझ में आएगी कि उन्होंने लिखा कि त्रिलोचन की कला सेल्फ कॉन्शियस कला नहीं है, उसमें संशय अथवा द्विधा की दरार नहीं पड़ी है, वह जिस वस्तु को उठाती है मुजस्सिम उठाती है, त्रिलोचन का काव्य स्वर चेतना के अंतर्विरोधों से कपकपाता हुआ निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलता डगमग स्वर नहीं है। अपनी डायरी में इस प्रश्न पर पुनर्विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे ये साफ दिख पड़ रहा है कि आज त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की भारतीयता को लेकर हम नहीं चल सकते, इनकी भारतीयता में बौद्धिक ऊर्जा की कमी है। ये मलयज कह रहे हैं, नितांत कमी है, ये हद से हद लिरिकल किस्म की भारतीयता है, इसमें टकराहट नहीं है, ये बस अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं, अपनी अस्मिता बचाए हुए हैं, बह नहीं गए हैं, एक जमीन इनके पास है उस पर बस टिके हुए हैं, हमें रामचंद्र शुक्ल की भारतीयता चाहिए, प्रेमचंद की भारतीयता चाहिए, गांधी की भारतीयता चाहिए, जिसमें एक और अपनी जमीन का विवेक था तो दूसरी तरफ पश्चिम से टकराने की अदम्य बौद्धिक ऊर्जा और ललकार और उससे टकराने का खुलापन। त्रिलोचन की भारतीयता जैसा बंधा आपन उसमें ना था, एक जगह टिके रहने की भारतीयता उसमें ना थी। ये बात मलयज कह रहे हैं। मलयज इस बात को कहते हुए ये भूल गए कि रामचंद्र शुक्ल
महात्मा गांधी और मुक्तिबोध की भारतीयता एक नहीं है। यहां तक कि मुक्तिबोध ने गांधी की भारतीयता को लेकर अपनी डायरी में, साहित्य की डायरी में लिखा, तीसरा क्षण वाली टिप्पणी में देख सकते हैं आप कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में ये गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। अब अगर मलयत जी से सहमत हों तो यहां तो मुक्तिबोध गांधी की भारतीयता को उस तरह की भारतीयता मानने के लिए तैयारी नहीं, जिस भारतीयता पे बड़ा जोर, जिसमें संशय हो, जिसमें डामाडोलपन हो, जिसमें दुविधाएं हो, ये सारी चीज़ें आधुनिकता के लिए मलयज को चाहिए। पर यही भारतीयता की, आधुनिकता की वो नहीं हो सकती, और यही अकेली आधुनिकता की परिभाषा नहीं हो सकती, ये बहुत साफ है। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने लेख त्रिलोचन आधुनिकता और परंपरा बोध, एक लंबा लेख है रामविलास शर्मा का, उसे देखना चाहिए, उस लेख में ये प्रश्न करते हैं कि कवि त्रिलोचन आधुनिक हैं या नहीं है। रामविलास शर्मा ने प्रश्न से शुरू किया कि कवि त्रिलोचन आधुनिक हैं या नहीं, और क्या उसी तरह आधुनिक हैं जिस तरह नई कविता के रचनाकार हैं, और इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, उस अर्थ में नहीं है। इनकी आधुनिकता हिंदी काव्य की जाति परंपरा से जुड़ी हुई है। अब ये आधुनिकता की एक दूसरी जातीय परंपरा, एक दूसरी आधुनिकता, जिसे अभी कबीर पे लिखते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी एक देशज आधुनिकता की बात की है। तो त्रिलोचन की आधुनिकता वस्तुतः उस आधुनिकता से कहीं ना कहीं अलग है जिससे जिसे मलयज ढूंढ रहे थे त्रिलोचन में। केदारनाथ सिंह भी ये मानते हैं कि त्रिलोचन की कविता जानी पहचानी समकालीन कविता के समानांतर एक प्रति कविता की हैसियत रखती है, और इसीलिए इस बात की मांग करती है कि उसका मूल्यांकन करते समय आधुनिक कविता के प्रचलित मान मूल्यों को लागू करने की जल्दबाजी न की जाए। उस जनपद का कवि हूं के ब्लर में केदारनाथ सिंह ने लिखा कि त्रिलोचन एक खास अर्थ में आधुनिक हैं, और सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि आधुनिकता के सारे प्रचलित सांचों को अस्वीकार करते हुए भी आधुनिक हैं। यह आधुनिकता आधुनिकता के प्रचलित सांचों से अलग, इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये एक पूरी बहस जो त्रिलोचन की आधुनिकता को लेकर है, इसे देखना चाहिए, और ये भी देखा जाना चाहिए कि जो सॉनेट है वो ज़्यादातर सॉनेट, लगभग 90% से ज़्यादा सॉनेट त्रिलोचन ने उसके लिए रोला छंद चुना हिंदी का, जिसके लिए पंत वगैरह ने बहुत ही दिलचस्प बातें कही हैं, आप देख सकते हैं। रोला बड़ा गेय छंद माना जाता है, बहुत ही गेय, बहुत गाया जा सकने वाला छंद है, उसका बड़ा प्रयोग किया है लोगों ने, और बड़े गीत उसमें हो सकते थे, हुए हैं। तो एक ऐसे छंद को त्रिलोचन जी ने एकदम उस छंद के स्वभाव को बदल दिया, मतलब ये बहुत दिलचस्प है कि छंद का आप पूरे अनुशासन, जो छंद का अनुशासन है
रोला छंद का जो अनुशासन है, जो व्याकरणिक अनुशासन है, उसको ग्रहण करते हुए भी आप उसके चरित्र को बदल दें। जैसे बाबा ने त्रिलोचन नागार्जुन ने दोहा लिखा, खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो इसके कंटेंट ने दोहे के चरित्र को बदल दिया। जो फागुनी दोहे लिखने वाले हैं वो उन्हें ये सीखना चाहिए कि समकालीन कविता में छंद का उपयोग कैसे होता है और छंद को कोई बड़ा कवि कैसे छंद का उपयोग करते हुए भी छंद के पूरे चरित्र को बदल देता है। ये बात जब तक नहीं सीखेंगे गीतकार या छंद का उपयोग करने वाले, तब तक वो छंद को सिर्फ दोहराते रहेंगे। तो त्रिलोचन ने, चंद्रबली जी ने उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। मैं उस बहुत लंबे लेख में नहीं जाऊंगा, जो चंद्रबली जी का लेख आप पढ़ सकते हैं त्रिलोचन पर। गोविंद जी ने एक किताब की थी त्रिलोचन पर, और उसमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट लेख हैं त्रिलोचन पर लिखे गए, वो सब एक जगह संग्रहित हैं, तो उनको देखा जा सकता है। चंद्रबली जी ने कहा कि त्रिलोचन करते क्या हैं कि वो वाक्य को ऐसा बनाते हैं कि वो दूसरे वाक्य में जाके, आधे में जाके समाप्त होता है। तो छंद का जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है, व्याकरणिक नियम से तो वो ठीक है, जितनी मात्रा है उतनी मात्रा है, लेकिन वो उस तरह से गाया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो उसका जो वाक्य बन रहा है वो वाक्य तो दूसरी पंक्ति में जाके आधे में समाप्त हो रहा है। तो इस सॉनेट को अगर कोई गाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत ही बड़े यानी फिर गायक होने की, कोई बहुत ही असंभव काम की तरह उसको कर सकेगा, पर उनने उस पूरे चरित्र को बदल दिया। ये बातें बहुत सारे लोग जो त्रिलोचन की आधुनिकता पे सवाल उठाते हैं वो नहीं देख पाते हैं कि कैसे त्रिलोचन सॉनेट के लिए रोला जैसे छंद को चुनते हैं जो आधुनिकतावादियों के लिए बिल्कुल प्रिय छंद नहीं है, आधुनिकतावादियों के लिए बहुत ही अप्रिय छंद है, या हरिगीतिका को चुनते हैं और उसके चरित्र को बदल देते हैं, उसकी गेयता को खत्म कर देते हैं। ये त्रिलोचन की ने शिल्प के स्तर पर जो काम किया, जो अद्भुत कौशल है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप त्रिलोचन की आधुनिकता को नहीं समझ पाएंगे। त्रिलोचन की आधुनिकता के लिए देशज आधुनिकता के आधारों को समझना होगा और उनके द्वारा शिल्प में किए गए प्रयोगों को, यानी सोची 44-45 में जिस तरह के फ्री वर्स में वो लिख रहे थे, जीवन का लघु प्रसंग जैसी कविता, वैसी कविता क्या आप सप्तक में ढूंढ सकते हैं, चार सप्तक में या उससे पहले के किसी कवि के यहाँ? तो मुझे लगता है कि नहीं। तो त्रिलोचन की आधुनिकता को समझने के लिए थोड़े से मेहनत करना पड़ेगी। चंद्रवली जी ने लिखा है कि सॉनेट में तरल संगीत की गुंजाइश नहीं होती, त्रिलोचन ने सॉनेटों में मधुरता है, त्रिलोचन के सॉनेटों में मधुरता है, स्निग्ध है, कोमल स्वरों का नहीं है, यानी स्निग्ध और कोमल स्वर नहीं है, उसमें चिंतन के दृढ़ कठोर स्नायु हैं। रोला छंद हिंदी का अत्यंत गेय छंद रहा है, लेकिन त्रिलोचन ने जानबूझकर उसमें भावों की इकाइयों को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में खींचकर संगीत की समानांतर इकाइयों की जगह यतियों की विविधता का सौंदर्य पैदा किया है। इस तरह वे तुकों के बंधन में रहकर भी अंग्रेजी के अतुकांत काव्य के संगीत अनुच्छेद वर्स पैराग्राफ की सृष्टि कर सकें। इसी लेख में आगे लिखा कि त्रिलोचन के सॉनेट का संगीत बांसुरी या जल तरंग का संगीत नहीं बल्कि वीणा का है,
जिसमें जिसके माधुर्य में भी ओज भरी टंकार है, जिसमें स्वरों की गूंजें एक दूसरे से टकराकर और फिर एक होकर वितान सी तन जाती हैं। ये त्रिलोचन जी के बहुत सारे पक्ष हैं। त्रिलोचन जी पे ये कहा जाता है, जब बहुत सारी किस्से निकलते थे त्रिलोचन जी के, तो केदार जी एक वाक्य अक्सर बोलते थे कि त्रिलोचन पर बात करना हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, कि उसे कितने ही देर तक त्रिलोचन जी पे इतनी बातें की जा सकती हैं, त्रिलोचन जी के व्यक्तित्व पे इतनी बातें की जा सकती हैं, त्रिलोचन जी के किस्से इतने हैं, त्रिलोचन जी की रचना में इतने सारे यानी इतनी विविधता, इतनी विराट विविधता है, इतना उसमें बहुलता है कि उस पर बात करने के लिए कोई भी समय कम है। जैसे त्रिलोचन की बातों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता था, इसीलिए त्रिलोचन पर बात करने का भी कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये समय त्रिलोचन जी पर, त्रिलोचन जी इतने आत्मीय रहे और इतना उनसे संपर्क रहा है कि उन पर बात करते हुए मुझे कभी नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। त्रिलोचन जी की बातों की ही तरह वो अनएक्सपेक्टेडली शुरू हो सकती।